हे दोस्तों, एक 72 पेज की बुक का कॉस्ट आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? 200, 500, 1000? अच्छा, ज्यादा से ज्यादा सोचो कितना हो सकता है, 5000, 10000? वेल, आपको पता है, एक 72 पेज की बुक को एक इंसान ने $30.8 million में खरीदा था 1994 में। कौन था वो इंसान? वो इंसान और कोई नहीं थे बल्कि थे हमारे बिल गेट्स, जो उस टाइम पे तो दुनिया के रिचेस्ट इंसान नहीं बने थे, बट स्टिल उन्होंने वो बुक को खरीदा था। वेल, बोला जाता है इस बुक के दो पेज का कॉस्ट इतना ही है जितने से आप एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो। तो वेल, क्वेश्चन ये है कि बुक इतनी महंगी क्यों है? अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखोगे तो आज के टाइम पे इसका जो कॉस्ट है वो अराउंड $45 million के आसपास होगा। क्यों? वेल, बिकॉज ये बुक किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे ने नहीं लिखी थी। इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम आपने जरूर सुना होगा, लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची आप बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेनेसांस थे। रेनेसांस कौन होते हैं? वो लोग जिनके अंदर बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स होते हैं, आप बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं तो लियोनार्डो डा विंची को क्या क्या आता था? वेल, वो एक पेंटर थे, ड्राफ्टमैन थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, थियोरिस्ट थे, स्कल्प्टर थे, आर्किटेक्ट थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, जिनमें से एक शायद आपने सुना भी होगा, मोनालिसा की जो पेंटिंग, उसकी कॉस्ट बोला जाता है आज के टाइम पे $900 million के आसपास है। ऐसी उन्हें एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, कार्टोग्राफी, पेंटिंग, पेलियंटोलॉजी और भी कई सारी फील्ड्स में वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कई सारी चीजें इन्वेंट भी करी थी और उनके ऊपर पूरी एक बुक भी लिखी गई थी, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था, उसके लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो कि कैसे आप लियोनार्डो डा विंची की तरह एक जीनियस बन सकते हो। थिंक लाइक डा विंची करके एक बुक है, उसके ऊपर मैंने समरी भी बनाया था, वो जाके आप देख सकते हो आई बटन से। लेकिन इस वीडियो के कॉन्सेप्ट से मैं ये बता रहा हूं ना कि वो बुक इतनी ज्यादा महंगी है, इनफैक्ट दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक बोली जाती है। वो बुक वो इसलिए ही बन पाई बिकॉज उसके जो ऑथर थे वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी बहुत ज्यादा लोग वैल्यू करते हैं। आज बड़े बड़े ब्रांड्स अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे में क्यों बेच पाते हैं? क्यों? क्योंकि लोग उनके प्रोडक्ट की वैल्यू करते हैं। लोग ज्यादातर अट्रैक्ट किसकी तरफ होते हैं, किसकी रिस्पेक्ट करते हैं? उनकी ही जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो वेल, ये वैल्यू आप कैसे बढ़ा सकते हो अपनी, ताकि आपकी भी लोग रिस्पेक्ट करें, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी भी चीजों को मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीदे? कैसे कर सकते हो? ऑब्वियसली अपनी वैल्यू बढ़ा के। और वैल्यू कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आज हम 7 ऐसे पॉइंट्स देखने वाले हैं अलग अलग बुक के रेफरेंस से, जो आपके अंदर आपको डालना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हो तो। अब कौन सी बुक्स की रेफरेंस से बताने वाला हूँ, ये आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो है बी अ बैडएस एंड एम्ब्रेस इट। एक बार एक स्कूल में अचानक से एक बच्चे का एडमिशन होता है 10वीं क्लास में, ठीक है ना। ऐसी अफवाह फैली होती है ना कि जो बच्चा है ना वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, और ये इतना स्मार्ट है कि ये करंट टॉपर जो है ना उसको भी पीछे कर सकता है। जिसके बाद ये होता है ना कि जब एग्जाम्स होते हैं तो सच में वो जो नया बच्चा होता है ना वो टॉपर को पीछे छोड़ देता है और खुद क्लास का नया टॉपर बन जाता है ना। इससे क्या होता है, जो पहला बच्चा होता है ना, जो टॉपर होता है ना, उसे बहुत ज्यादा जलन होती है। वो पहले तो उस पर हंस रहा होता है, लेकिन अब उसे इतनी ज्यादा जलन होती है कि उससे नफरत होने लग जाती है। जिसके बाद वो जो पहला टॉपर होता है वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जाता है, वो रोज उस नए टॉपर को कैसे बीट करना है इसके बारे में सोचने लग जाता है, वो लाइफ को एंजॉय करना खत्म कर देता है और सिर्फ कॉम्पिटिशन मोड पे आ जाता है। जिसके बाद क्या होता है, जब नेक्स्ट एग्जाम आता है ना तो ये जो पुराना वाला टॉपर होता है ना वो वापस से टॉप कर देता है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। वो जाता है उस नए बच्चे के पास और बोलता है कि तुझे पता है इस बार टॉप तूने नहीं बल्कि मैंने किया है। तो इसके ऊपर जो सामने वाला बच्चा होता है ना वो एकदम शॉकिंग सा रिप्लाई करता है, तो इससे पहले मतलब मैंने टॉप किया था? बेसिकली लड़के को पता ही नहीं होता है कि ये टॉपर था, इसलिए जो अभी का टॉपर होता है वो भी हैरान होकर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता तुम लास्ट एग्जाम के टॉपर थे, तुम दूसरों के मार्क्स चेकआउट नहीं करते हो क्या? तो उसके ऊपर वो नया लड़का बोलता है कि देख भाई, मैं तो ना अपनी दुनिया में ही खुश हूँ, मैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस करता हूँ और दुनिया पर फोकस नहीं करता हूँ। कौन कितने मार्क्स ला रहा है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पढ़ने मजा आती है इसलिए मैं अच्छे से पढ़ता हूँ और मैं हमेशा सीखने पर फोकस करता हूँ। एग्जाम्स में तो मार्क्स आते हैं नहीं आते हैं उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे एक्चुअल में सीखना पसंद है, ना कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। नाउ देखो दोस्तों, सबसे पहला बड़ा लेसन यही है, अगर आपको एक बैडएस बनना है जिसकी लोग वैल्यू करे, तो आपको है ना सबसे पहले अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना होगा। देखो, ऐसा कितनी बार होता है कि हम है ना जब अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं या अपने से नीचे लेवल के लोगों से मिलते हैं स्टेटस में, पैसे के हिसाब से, तो हम लोग के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग किसी अमीर इंसान के पास, जो कि शायद मिलियनेयर बिलियनेयर है, जिसने बहुत पैसे कमाया, उससे मिलते हैं, तो हम लोग कई बार नर्वस हो जाते हैं, हमें हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है। क्यों? वेल, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग अपने स्टेटस, अपने वेल्थ को उस सामने वाले इंसान से कंपेयर कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम लोग कंपेयर करते हैं हमें लगता है कि यार जितनी उस इंसान की वैल्यू है उतनी वैल्यू हमारी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग खुद के नजर में ही गिरने लग जाते हैं, हम लोग फिर खुद की वैल्यू ही कम कर देते हैं। जबकि आपने ये चीज सुनी होगी कि अगर आप चाहते हो कि लोग दूसरे आपकी वैल्यू करें, तो सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू करना होगा, अपनी नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, और ये तभी हो सकता है जब आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। यही है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है द नाइस गाय सिंड्रोम। एक लड़का होता है जिसे बड़ी मुश्किल से अपनी मनपसंद कंपनी में जॉब मिल जाता है ना, उसकी जो सैलरी होती है ना वो एक्सपेक्टेड सैलरी से आधी होती है, बट स्टिल वो उस जॉब को ले लेता है। क्यों? बिकॉज उसको लगता है कि अगर मैं कम सैलरी लूंगा ना तो ये कंपनी वाले मेरी ज्यादा वैल्यू करेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ जो इतना अच्छे से काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी बस आधी सैलरी ले रहा है। और यही मेंटालिटी के साथ वो
बहुत ज्यादा काम करता है, जितना उसे काम दिया जाता है उससे ज्यादा काम करता है, दूसरों के भी काम करने लग जाता है, यही सोच के कि इससे मेरी वैल्यू बढ़ेगी, लोग मुझे अच्छा इंसान समझेंगे। और जब वो ये चीज कर रहा होता है तभी उसको दूसरी कंपनी से भी ऑफर आता है, उसे डबल पेमेंट दे रहे होते हैं, बट स्टिल वो उन ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, उसके बारे में किसी को बताता तक नहीं है और बस अपनी दुनिया में खुश रहता है कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। ऐसे ही क्या होता है कि वो काम करते करते एक दो साल निकल जाता है, लेकिन क्योंकि वो कभी सैलरी की बात ही नहीं करता है और हमेशा अपने आपको अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी सैलरी भी कभी बढ़ाते नहीं है लोग। एक टाइम बाद वो एकदम फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है, उसे जरा भी जॉब में मजा नहीं आ रहा होता है बिकॉज उसको पैसे ही नहीं मिल रहे होते हैं ज्यादा, जिसके बाद वो फाइनली जाके हायर अथॉरिटी से बात करता है कि उन्हें उसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए और वो बहुत काम कर रहा है। लेकिन जो अथॉरिटी वाले होते हैं ना, वो उल्टा उसको बोलने लग जाते हैं कि आपको ना डिसेंट सैलरी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अभी हम आपको इंक्रीमेंट नहीं दे सकते हैं ना। ये बात सुनने के बाद उसका पूरा दिल टूट जाता है बिकॉज सच में उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी होती है, बट स्टिल वो लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होते हैं, जिसके बाद फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो उस कंपनी को छोड़ देगा और दूसरी कंपनी में जाएगा। लेकिन अब जब वो दूसरी कंपनी में अप्लाई करने भी जाता है तब भी उसको उतनी सैलरी नहीं मिल रही होती है। देखो अगेन ये स्टोरी में पता चलता है कि अगर ना आप अपनी वैल्यू को कम रखोगे, अगर आप अपने टैलेंट की वैल्यू को नहीं करोगे तो लोग भी आपके टैलेंट की वैल्यू इतनी नहीं करेंगे, लोगों के लिए वो चीज कॉमन हो जाएगी कि यार ये इंसान तो ये काम कर ही देता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप दूसरों को ये रियलाइज करो कि आपके एक्चुअल में कितनी वैल्यू है और आपको अपनी वैल्यू के हिसाब से बात करना एटलीस्ट आना चाहिए, एटलीस्ट आपको लोगों को बोलने आना चाहिए कि हाँ मैं इतने इतने काम करता हूँ, उन्हें दिखाने आना चाहिए ताकि वो लोग आपकी वैल्यू करें। देखो ये स्टोरी सिखाती है ना कि आपको नाइस गाय सिंड्रोम से बचना चाहिए। कई बार हम लोग है ना जस्ट बिकॉज हमें अच्छा दिखाना है अपने आपको सामने वाले को, इसलिए हम लोग वो चीजें नहीं बोलते हैं जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। हमें चाहिए तो हाई सैलरी है बट स्टिल हम लोग कभी सैलरी से रिलेटेड बात नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग हमें काम पे काम ना दे बट स्टिल हम लोग कभी नो नहीं बोल पाते हैं। हम लोग चाहते तो बहुत कुछ है बट स्टिल हम लोग उससे रिलेटेड कभी बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नाइस दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं। लेकिन ये जो अच्छा इंसान दिखाना है ना, वो कई बार एक सिंड्रोम जैसा होता है, एक बीमारी जैसा होता है जो आपको तकलीफ देगा और दूसरों को भी इनडायरेक्टली तकलीफ दे सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन रखो और ये नाइस गाय सिंड्रोम जो है ना उसको रियलाइज करो कि ये कई बार आपको पीछे ढकेल सकता है। इसलिए हमेशा अपने इंटेंशंस को क्लियर रखो, जो आप चाहते हो उसके बारे में बात करो, ये चीज आपकी वैल्यू को बढ़ाएगी। हाउ यू कम्युनिकेट विद योर सेल्फ। मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जो मुझे लिटरली ना एकदम अनबिलीवेबल लग रहा था, बट मैंने स्टिल कई लोगों को ये चीज करते हुए देखी है और वो चीज ऐसा हुई भी है। वेल क्या था वो एक्सपेरिमेंट? वेल यूजुअली क्या होता है पता है, दो जार्स लिए जाते हैं जिनमें चावल रखा जाता है। एक जार है ना उसको हर दिन नेगेटिव वर्ड्स बोले जाते हैं, उसे खराब खराब चीज बोली जाती है, और वहीं जो दूसरा जार है ना उसके तरफ पॉजिटिव वर्ड्स बोले जाते हैं, अच्छी चीजें बोली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है मालूम क्या, कुछ हफ्ते बाद कुछ महीने बाद जिसको पॉजिटिव बातें बोली होती है ना वो चावल एकदम अच्छा होता है, जबकि जो दूसरा चावल है ना वो खराब होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। ऐसी सिमिलर एक्सपेरिमेंट भी करे गए हैं प्लांट्स के ऊपर, जहां पर एक प्लांट को जब नेगेटिव वर्ड्स और नेगेटिव चीजें बोली जाती थी ना तो वो प्लांट एक महीने में मुरझा जाता था, कंपेयर टू वो दूसरे प्लांट के जो अच्छा ग्रो करता था जब उसे पॉजिटिव वर्ड्स और पॉजिटिव चीजें बोली जाती थी। तो अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके पीछे कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन एक बात तो है कि आपके वर्ड्स में ना बहुत ही ज्यादा पावर होता है, और आप कैसे वर्ड्स को यूज करते हो दूसरों के लिए और अपने लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप अपने लिए क्या वर्ड्स यूज करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम लोग ना अपने आप से कई बार नेगेटिव चीजें बोलते हैं कि यार ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगी, ये चीज मेरे बस की ही नहीं है, यार ये चीज करने की मेरी औकात ही नहीं है, मेरी हैसियत ही नहीं है। जब तक हम लोग अपने आपको ऐसी चीजें बोलते रहते हैं, नेगेटिव चीजें बोलते रहते हैं ना कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तब तक हम कई बार ऐसी मेंटालिटी बना रहे होते हैं जिससे हम लोग सच में वो चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं। जबकि जो लोग हाई अचीवर्स होते हैं ना वो लोग हमेशा अपने आपको पॉजिटिव बातें बोलते हैं, जिसे पेप टॉक भी कई बार बोला जाता है। वो चीज आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, जो फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी वैल्यू बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। इसलिए आप क्या वर्ड्स अपने आप को बोलते हो इस पे बहुत फोकस करो। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप कैरिंग अबाउट व्हाट दे थिंक। आपके हिसाब से यूजुअली एक अच्छे क्रिकेटर की एज कितनी होनी चाहिए जब वो अपनी पीक परफॉर्मेंस दे रहा हो? यूजुअली आप बोलेंगे जितना यंग हो सकता है उतना अच्छा है, टीन्स 20s। लेकिन आपको पता है एक ऐसे भी इंसान है जिन्होंने 42 की एज में क्रिकेट में डेब्यू किया था। कौन है वो? वेल उनका नाम है प्रवीण तांबे, जिन्होंने राजस्थान रॉयल की टीम में अपनी जगह बनाई थी। यूजुअली ऐसी उम्र में क्रिकेटर्स रिटायर होने लग जाते हैं, बट यही उम्र में इस क्रिकेटर ने अपना डेब्यू किया, जिसके लिए ऑब्वियसली सोसाइटी में उन्हें हमेशा ताने मिलते रहते थे कि दो बच्चे के बाप होते हुए तू कैसे खेल कूद में जा सकता है, क्या तू ये काम धंधा छोड़ के अपनी फैमिली के बारे में छोड़ के ऐसे बड़े बड़े सपने देखता है क्रिकेटर बनने के, क्यों ये सब चीजें कर रहा है। ऐसी ना जाने उन्हें कितने सारे ताने कितनी बातें सुनने मिली थी, बट स्टिल प्रवीण तांबे ने उन बातों को इग्नोर किया और वो जो चाहते थे उसके पीछे उन्होंने काम किया और अपने सपने को आप बोल सकते हो एक तरीके से पूरा किया। राहुल द्रविड़ इनके बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उनके ऊपर एक मूवी भी बन रही है जिसका नाम है कि कौन प्रवीण तांबे, बिकॉज हम लोग ने कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम तो सुने हैं लेकिन प्रवीण तांबे जी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना, इसलिए ये मूवी भी बनी जा रही है जो आप बोल सकते हो काफी मोटिवेटिंग इंस्पिरेशनल स्टोरी से बनाई जा रही है। तो वेल यहाँ पे भी लेसन यही है
कि आपको ना दूसरे क्या बोलते हैं कई बार उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि बस आपको अपने विजन पे काम करने आना चाहिए अगर आप उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है काम से रिलेटेड, एक परेशानी से रिलेटेड जो हम लोग कहीं ना कहीं हमेशा फेस करते हैं। तो पुराने जमाने की बात है जब है ना ऋषि मुनि अपने स्टूडेंट्स को आयुर्वेदा पढ़ा रहे थे, तब एक टाइम ऐसा आ गया था कि उन्हें लगा कि उनके क्लास में ना बहुत जरूरत से ज्यादा बच्चे हो गए हैं। तो अब बच्चे कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक टेस्ट लिया। तब उन्होंने बच्चों से कहा कि मैं अगले 10 दिनों के लिए मौन व्रत करके जंगलों में जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें क्या करना है कि एक जड़ी बूटी को ढूंढ के लेके आना है, जब मैं वापस आऊंगा तब मुझे तुमसे वो जड़ी बूटी मेरे हाथ में चाहिए। और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये जो जड़ी बूटी है ना वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, तुम थोड़ा बहुत ही शायद घूमोगे ना तो तुमको शायद वो जड़ी बूटी मिल जाए। अब जब उन्होंने ये चीज बोली ना तो कई सारे बच्चों के जान में जान आई, उन्हें लगा कि यार अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो बच्चे थे ना उन्होंने सोचा कि हम आखिर के दिन में जाएंगे और जाके वो जड़ी बूटी लेके आ जाएंगे, पहले हम आराम करेंगे। अब ऐसी जब 10 दिन गुजर गए ना तो उसके बाद वो ऋषि मुनि वापिस है और उन्होंने बच्चों से कहा कि लाओ जड़ी बूटियां दे दो। और जब उन्होंने जड़ी बूटियां मांगी तो उन्हें पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो थे ना उनको वो जड़ी बूटी मिली ही नहीं थी। उन्होंने कंप्लेन करी, उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने तो कहा था कि ये जो जड़ी बूटी है वो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हमने जब ढूंढना चालू किया तो हमें पता चला कि ये यहां से 80 किलोमीटर दूर गांव में मिलेगी, जिसमें ट्रैवलिंग करने के लिए ही 8 दिन लगते हैं, और क्योंकि हमारे पास इतने दिन बचे ही नहीं थे इसलिए हम वहां पे गए ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वो जड़ी बूटी लेके आ गई थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस दिन बोला गया था उसके दूसरे ही दिन उन्होंने वो जड़ी बूटी ढूंढना स्टार्ट कर दी थी और उन्हें वो मिल भी गई थी। तब जो गुरु थे ना उन्होंने कहा कि देखो अगर आपको आयुर्वेदा सीखना है, बीमारियों से रिलेटेड चीजें सीखनी है, तो आपके अंदर एक चीज कभी नहीं होना चाहिए और वो है प्रोक्रास्टिनेशन, आलसपन, बिकॉज बीमारी जानलेवा कई बार होती है, और अगर आपको कोई भी बीमारी ट्रीट करना है तो आपको फॉरन एक्शन लेने आना चाहिए। जो लोग इसके अंदर लेजीनेस दिखाने लग जाते हैं कई बार वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं और बच भी नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आपको आयुर्वेदा में बड़ा बनना है तो आप एक ऐसे इंसान रह के उसमें बड़ा बन ही नहीं सकते हो जो आलसी होता है। अब देखो दोस्तों ये जो पॉइंट है ना वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर आप आलसी, आप प्रोक्रास्टिनेशन हमेशा करते रहोगे ना तो इसकी वजह से आप है ना खुद अपनी वैल्यू भी कम करने लग जाओगे और दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू कम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। और ये चीज मैंने भी नोटिस करी है, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना लोग फास्ट मूवर्स होते हैं, उनके पास अगर कोई काम आता है तो वो लोग उसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितने भी लोग ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं ना वो लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें अचीव नहीं कर पाते हैं, और जब वो लोग बड़ी चीजें अचीव नहीं कर पाते हैं तो कई बार लोग उनकी वैल्यू भी नहीं करते हैं। इसलिए ये चीज को भी आपकी लाइफ से निकालना जरूरी है। इसके ऊपर मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर, जो आप आई बटन से जाके देख सकते हो कैसे आप अपना प्रोक्रास्टिनेशन खत्म कर सकते हो। कई सारी साइकोलॉजिकल बुक्स में ना एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी जाती है जिसका नाम होता है मिररिंग, जो कि है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन में बताया गया है कि अगर आप किसी को अपने आप को लाइक करवाना चाहते हो ना तो आपको सामने वाले इंसान में और आपके अंदर सिमिलैरिटीज ढूंढने आनी चाहिए, जिसके अंदर अगर आप बात करोगे तो वो इंसान आपको पसंद करने लगेगा। बिकॉज हम इंसानों के अंदर ना एक डीप ह्यूमन नीड होती है कि हम उनके साथ कनेक्ट करें जो हमारे जैसे है, जो हमारे जैसा सोचते हैं, तभी तो हम लोग ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए ना ये एक चीज जो होती है ना सिमिलैरिटी, वो काफी इन्फ्लुएंशियल होती है, पर्सुएसिव होती है। तो ये पर्सुएसिव चीज का यूज कैसे कर सकते हो? सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करके, जिसे बोलते हैं मिररिंग। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, अगर वो हाथ बांध के बात कर रहा है तो अगर आप भी अपने हाथ बांध के बात करोगे तो कहीं ना कहीं आप मिरर कर रहे हो, आप लोग एक दूसरे के सिमिलर बन रहे हो, जो सबकॉन्शियसली उस इंसान के दिमाग में मैसेज डालेगा कि ये इंसान मेरे जैसा है, और वो इंसान आपको लाइक करने लगेगा, आपकी वैल्यू ज्यादा करने लगेगा। अब ऑब्वियसली एक ट्रिक जैसी चीज है जिसे आपको ऑब्वियसली ढंग से यूज करना चाहिए, ओवर यूज नहीं करना चाहिए, बट हाँ ये एक ट्रिक है जो कई बार आप यूज कर सकते हो। कोई अगर आपकी तरफ लीन करके बात कर रहा है तो आप भी थोड़ा उसकी तरफ लीन करके बात करो। मिररिंग एक बहुत छोटी सी ट्रिक है जो आपको सामने वाले इंसान की तरफ अपनी वैल्यू बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जिसकी वजह से लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि लियोनार्डो डा विंची जो थे उनकी लोग इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों करते थे, सालों बाद उनकी बुक की लोग इतनी वैल्यू क्यों कर रहे हैं, उनकी पेंटिंग्स की, उनकी हर एक चीज की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्यों? बिकॉज वो इंसान खुद वैल्यूबल था। वैल्यूबल क्यों था? बिकॉज उसके पास बहुत सारी नॉलेज थी, वो इंसान एक तरीके से जीनियस था। और जीनियस कैसे बनते हैं? वेल, जीनियस बनने के कई सारे तरीकों में से एक तरीका ऑब्वियसली ये है कि अपने आप को हमेशा कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना। जापानीज का कॉन्सेप्ट होता है ना इकिगाय, मतलब कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग योरसेल्फ। वही कॉन्सेप्ट अगर आप भी अप्लाई करोगे अपने ऊपर तो आप धीरे धीरे बेटर 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 होते जाओगे और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पक्का लोग आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल भी है। कुछ टाइम पहले मैं अपने एक रिलेटिव से बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि कैसे उनकी कंपनी में एक आदमी है जो काफी एजड है। वो इंसान है तो स्मार्ट ही, बट स्टिल है ना लोग जो दूसरे कलीग्स है, जो दूसरे लोग है ना, वो उस इंसान की इतनी वैल्यू नहीं करते। कई रीजंस में से एक रीजन इसलिए है बिकॉज वो जो बूढ़ा इंसान है ना वो कई सालों से बस एक ही काम कर रहा है और वही काम को वो बार बार रिपीट कर रहा है।
उसने कुछ भी अपनी लाइफ में और नया सीखा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वो बता रहे थे कि ऐसे कई सारे नए लोग आते हैं जो लोग उस आदमी से काफी ज्यादा छोटे हैं, बट स्टिल वो लोग बस कुछ साल के अंदर ही उस सीनियर इंसान से भी पोस्ट में आगे चले जाते हैं, पैसे ज्यादा कमाते हैं। क्यों? बिकॉज वो जो नए लोग होते हैं ना, वो लोग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो एजेड इंसान है ना, उम्र में सीनियर होने के बाद भी पोस्ट और पैसे के हिसाब से कई सारे दूसरे लोगों से पीछे है। इनफैक्ट रिस्पेक्ट के मामले में भी वो इंसान दूसरे लोगों से पीछे है। इसलिए बहुत जरूरी है आप कॉन्स्टेंटली सीखते रहो चीजें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, और ये चीज करने में ऑब्वियसली मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये चैनल आपकी हेल्प करेगा। इस चैनल के थ्रू मैं हमेशा आपके लिए फ्री में बुक की समरीज लेके आता रहूंगा, जिससे बिना बुक पढ़े आप बुक्स की अमेजिंग क्वालिटी, हाई क्वालिटी की बातें सीखते रहो, ताकि आप इम्प्रूव कर सको अपनी लाइफ में। तो फ्री में ये सारी बातें सीखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। और ये कौन सी बुक्स के रेफरेंस से ये सारी बातें मैंने आपको बताई है अभी बताता हूँ। नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यू आर अ बैडएस, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, Four Agreements और Influence the Psychology of Persuasion। ये सारी अलग अलग बुक की बातें मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स में बताई है, जिनमें से कई सारी बुक्स की मैंने ऑलरेडी समरी भी बनाई है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, एक पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा जहाँ से जाके आप ये सारे वीडियोस देख सकते हो जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी है। ठीक है, वैसे अमेजिंग बातें सीखते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक और पार्ट बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, ताकि मुझे और मोटिवेशन आए इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। ठीक है, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ, ताकि वो लोग भी अपनी वैल्यू को हमेशा इंक्रीज कर सके। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।